क्वेश्चन नंबर 20 अपने सामने, इसमें क्या दिया है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं अपन, है ना। ट्राइंगल एबीसी क्या नाम है, एबीसी, ठीक है। इसमें डी और ई पॉइंट है, डी पॉइंट है एसी पर, एबी पे, एबी पर है डी पॉइंट और एसी पर है ई पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, बीसी, बी और सी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों चीज़ें बराबर दी, दोनों चीज़ बराबर दी। अच्छा आप देखना ये दोनों ट्राइंगल को इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए के बराबर क्या है, सी है, ठीक है, डी के बराबर ई है और बी सी के बराबर कौन सा एंगल है, तो सी के बराबर बी, इनको इमेजिन कर पा रहे हो क्या। चलो नहीं कर पा रहा है तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को बना कर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, नाम दे देता ए डी सी और इसका नाम क्या है, ये सी डी नहीं है, ये है ना ई और ये बी, ठीक है। अब अपन ध्यान से देखें तो ई सी बराबर है किसके, ई डी के, जो अपन को गिवन है, ठीक है। साइड ए सी, ये साइड ए सी बराबर है बी सी के, क्यों, ट्राइंगल की साइड है और ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो दोनों साइड बराबर होंगी, मतलब तीनों साइड बराबर होंगी, लेकिन अपन को दोनों से कम है। ए सी बराबर है किसके, बी सी के, और एंगल ए देखो, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला एंगल देखो, एंगल सी, ये पूरा एंगल, एंगल सी, एंगल सी, ये भी 60 का हुआ। तो साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हुआ, दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस हुआ, बस यही अपन को प्रूव करना था। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हुआ तो ये बची तीसरी साइड बराबर होगी, मतलब डी सी बराबर होगी किसकी, बी की, मतलब डी सी ये साइड बराबर होगी किसके, बी सी के, बी ई के, ये बराबर होगी इसके। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब बोलो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और अगर अपन ने ऐसी कोई साइड डाली, ये डाली, तो ये क्या हो जाएगी, ये एल्टीट्यूड हो जाएगी, ये मीडियन हो जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, ये सभी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, ये सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही होता है, तो ये सभी बन जाएगी। और अगर ये सभी बन गई तो ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल कितने का, 60 का, तो ये एंगल नहीं निकाल सकते आप, बोलो सर 120 का, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये एंगल कितने का, ये भी 120 का, और यही अपन को निकालना था, सी एफ बी 120 डिग्री, ठीक है।